हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। आज एम के आर किचन में हम बनाने वाले हैं सेजवान चिकन फ्राइड राइस, जो बहुत दिनों से भी वीडियो बन चुका था, अपलोड करने में लेट हो चुका है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। और अगर आप मेरे वीडियो में बने हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सेजवान फ्राइड राइस किस तरह से बनाते हैं। बोनलेस चिकन को अच्छी तरह साफ कर लिया है, 500 ग्राम है ये चिकन। और इसको हम मैरिनेशन करेंगे, तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर चम्मच, और विनीगर डाल देंगे एक बड़ा चम्मच, सोया सॉस भी डालेंगे एक बड़ा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे एक चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब चाहो तो एक नींबू का रस भी आप डाल सकते हो। अब इसे हम रख देंगे साइड में 15 मिनट के लिए। अब हम एक पैन लेंगे और ऑयल को गर्म होने देते हैं। आप अगर चिकन ज़्यादा लेंगी या कम लेंगी तो आप उस हिसाब से सारे मसालों को ऐड कीजिएगा। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। चावल के हिसाब से भी आपको चिकन को रखना है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और अब इस तरह भून लेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा मिर्च कम लग रहा है, तो मैं इसमें एक चम्मच रेगुलर चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं भून लूँगी 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से। इसके बाद हम चिकन को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। उसी पैन में हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे और अदरक लहसुन को हमने चॉप करके रखा था वो हम डाल के हल्का सा भून लेंगे कलर चेंज होने तक। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज का प्याज को स्लाइसेस में काटा है, वो भी हम ऐड करेंगे, और हरी मिर्च को भी हम ऐड कर देंगे। और क्या करना है ना दोस्तों, चावल को आप तुरंत मत बनाइएगा। कभी भी सेजवान फ्राइड राइस या कोई भी फ्राइड राइस बनाने को होता है तो चावल को आप पहले से ही पका दीजिए, उसके बाद आप यूज कीजिए। और ये थोड़ा सब्जी है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकती हैं। भुनेंगे अच्छी तरह से। बीन्स भी हमने ऐड कर दिया। अब भुनेंगे अच्छी तरह सब्जियों को। तो चावल हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, हमारा चावल पूरा ठंडा हो चुका है। अब मैं स्वीट कॉर्न भी डालूंगी, मेरे पास थी थोड़ी सी तो भी मैं ऐड करूंगी। सारी सब्जियों को भून लेंगे। और सोया सॉस हमने डाला है 2 चम्मच, विनीगर भी हमने डाला है 2 चम्मच, और ये सेजवान चटनी है, इसी से सारा टेस्ट बढ़ता है, तो आप इसे हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच या आधा कप ले लीजिए। अब हम चिकन को भी डाल देंगे। अब भून लेंगे अच्छी तरह से। चिकन भूनने के बाद अच्छी तरह से नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप देख के डालिएगा, क्योंकि चावल में हम डालते हैं नमक, फिर सॉसेस में नमक होती है, तो आप नमक देख कर डालिएगा। अब हम चावलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मिला लेंगे सारे चावल को और इस तरह हम तेज आंच पर फ्राई भी करते जाएंगे। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन सेजवान फ्राइड राइस आप ज़रूर से बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप इस एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन को। अब हम सर्व करेंगे। हमारा ये फ्राई हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।